हेलो दोस्तों, एक लेटेस्ट अपडेट है। UPPSL में टेक्नीशियन की एक नई भर्ती आई है। देखिए, जो जो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है वो जरूर से ज़रूर भरे इस फॉर्म को। देखिए, मेहनत आपको इसके टेक्निकल सब्जेक्ट में करनी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं वो है क्या भर्ती। आप एक बार देख लीजिए सही से, ठीक, आपने देख लिया होगा। UPPSL टेक्नीशियन, देखिए टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल रिक्रूटमेंट 2022, ठीक है। जो इसका जो फॉर्म का स्टार्टिंग होगा वो 27 सितंबर से स्टार्ट होगा, फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 19 अक्टूबर है। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें एग्ज़ाम डेट दी हुई है, तो एग्ज़ाम जो होगा नवंबर के लास्ट वीक में आपका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो फीस की बात कर लेते हैं तो जनरल OBC और EWS की जो है 1180 रुपये फीस है, और SC ST की बात की जाए तो 826 रुपये फीस है, ठीक। और इसमें जो मिनिमम एज रखी गई है वो 18, मैक्सिमम कितनी 40, ठीक है, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा जो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, ठीक है। तो आपका 10th होना चाहिए विद साइंस से, ठीक है, किसी भी इंटर कॉलेज से, साइंस एंड मैथ। सब्जेक्ट जो होगा वो ITI, ठीक है। सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल, देखिए 10th तो कंपल्सरी है कि आपको पास होना चाहिए, वो भी साइंस साइड से, और उसके साथ आपको ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड जो आप कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है, NCVT या SCVT से आपका ये संस्था है, ये मान्यता प्राप्त संस्था है, इससे होना चाहिए आपका ITI। इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, नंबर तीसरे पे इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत विद्युत वितरण होना चाहिए। तो ये जब आप 10th तो पास ही हैं, ठीक है, उसके साथ ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन NCVT या SCVT संस्था से होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया क्या है, कैसे चयन होगा, कैसे पेपर होगा। तो दो पार्ट में पेपर होगा, एक पार्ट कंप्यूटर के लिए होगा, एक पार्ट GS के लिए होगा, मतलब वो बाकी उसके, ठीक है। तो दो पार्ट में होंगे, ठीक। तो कंप्यूटर की बात कर लेते हैं, तो कंप्यूटर का जो क्वेश्चन होगा, जो पेपर बनेगा, वो 50 नंबर का बनेगा। 50 में से 20 अंक आपको लाने अनिवार्य है, अगर आप नहीं लाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो 20 अंक लाने अनिवार्य, ये मेरिट नहीं डिसाइड कर लेगा, लेकिन 20 नंबर आपको लाने हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं पहले पोस्ट नेम की। तो UPPSL टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, जिसमें जनरल की 357 पोस्ट दी गई हैं, अगर आप EWS से तो 89 है, OBC से बिलोंग करते हैं तो 241 है, SC और ST से 187 और 17, टोटल है 891 पोस्ट हैं, बहुत अच्छी है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा दी गई हैं, ठीक है। अब चयन प्रक्रिया की बात की तो CVT के आधार पर आपका होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, समय 3 घंटे का दिया, दो भाग पेपर होंगे, दो पार्ट में होंगे। पहले पार्ट की बात की जाए, प्रथम भाग, तो नीलेट के द्वारा CCC आपका हो के क्वेश्चन आएंगे, CCC वाले। तो इसमें मैंने आपको बुक उस बताई दी है कि युद्ध कॉम्पिटिशन की और CCC वाली आप पढ़ लेंगे, मोर देन इनफ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्यूटर से 50 क्वेश्चन, जिसमें 20 अंक आपको लाना अनिवार्य है, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट की। हाँ, 1/4 निगेटिव मार्किंग है पहले में भी, ठीक है। तो द्वितीय भाग में क्या है, तो द्वितीय भाग में जो होगा सब्जेक्ट होगा सामान्य अध्ययन, तार्किक ज्ञान यानी कि रीजनिंग, हिंदी दिख रहा होगा आपको, हिंदी, ठीक है, और इंग्लिश होगा, तकनीकी विषय होगा। तो जो सामान्य अध्ययन या तकनीकी ज्ञान होगा वो 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे, हिंदी में 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, इंग्लिश में 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। अच्छा, जो अब डिफरेंट है क्या, इसमें ट्रेड से रिलेटेड 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स के होंगे, एक क्वेश्चन एक मार्क का होगा, और इसमें भी निगेटिव मार्किंग रखी जाएगी 1/4। देखिए, ये सब इजी आएगा आपका, हिंदी तार्किक ज्ञान और इंग्लिश सब इजी होगा, जो आपका ट्रेड है उससे टफ होगा, ठीक है। तो आप अगर आपका ट्रेड पे कॉन्फिडेंस है, ट्रेड जिस सब्जेक्ट से जिस ट्रेड से आपने करा है अगर वो आपका सही है तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आपका ये होना चाहिए, ठीक है, 35% अंक लाना अनिवार्य है मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम की बात नहीं करें, 35% आपको लाना अनिवार्य है, इसमें भी निगेटिव मार्किंग रहेगी। तो देखिए, अगर आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म भरने के लिए तो इस फॉर्म को जरूर से ज़रूर भरिए, ये मत सोचिए कि हमें ये नहीं आता है। देखिए, आपके पास एक सब्जेक्ट क्लियर है, बाकी सामान्य गण तार्किक ज्ञान हिंदी इंग्लिश कोई टफ नहीं, एक स्ट्रैटेजी के थ्रू अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका हो जाएगा,
हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन पढ़ना है, इंग्लिश के लिए आप अशोक कुमार की पढ़ लीजिए, और तकनीकी के विषय आप जो जो जिससे आपने करा है वो आप बेहतर जानते हो, उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हो गया 4 सेगमेंट, वो एक पार्ट आपको आपको थोड़ा सा उस पर कंप्यूटर पर मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो इससे रिलेटेड जो भी डाउट है वो मैंने बता दिया है, बाकी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा सब्जेक्ट से स्ट्रैटेजी से तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, बुक से रिलेटेड मैं सभी क्वेश्चन का आंसर दूंगा, लेकिन आप ये फॉर्म जरूर जरूर भरिए। समझ लीजिए तैयारी करनी है, अगर नौकरी पानी है तो फॉर्म को जरूर भरना ही पड़ेगा, बिना फॉर्म भरे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।